Really nice school. Nice students we have to be here. Open it. Nice and good. You big hand. अब इसका ये है कि ये हमारे एग्जाम साहब हैं। एग्जाम साहब जी जी हर एक हो जाए बहुत ज्यादा और इसके लिए शुक्रान की निमाज। हर प्रोग्राम होता है इसके स्कूल में। और सिर्फ लोगों से मेरी ये अपील है कि रोल बढ़ाएं। आप लास्ट ईयर हमने इकट्ठे हर घर में गया हूँ, मुझे याद आप आए थे खुद, मैंने इसको बताया था बुलाने के लिए आपके साथ, तो एक कोशिश कर दो महीने में उससे जहाँ पर हमारे ऐसे अच्छे टीचर्स हैं और सब कुछ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शॉप बहुत ही अच्छा स्कूल चल रहा है मैम, बहुत ही अच्छा। ये बो मंगई से शरीफ बो मंजूर कर खुदा शर्रोजी हाही मालस कुलजुम तिरोजी हारा। अब आइए आइए तशरीफ
तशरीफ लाइए, हम आपके आने से खुशियाँ मनाते हैं। ला 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 यहाँ से मैम यहाँ से ये करते हैं शुक्रिया बहुत। देखिए एजुकेशन सेक्टर जो है वो बड़ा सफल किया है, मैं इसको मान के चलती हूँ पिछले कई सालों से, 30 सालों से, तो इस पर कोई ज़्यादा रहा नहीं, गवर्नमेंट की नज़र नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है पिछले 1-1.5 साल से जो है ये प्रायोरिटी नंबर वन। एज ए चेयरपर्सन जो डिस्ट्रिक्ट में हूँ बारामूला, मैंने भी हर जगह ये कोशिश की, मंत्री साहब के सामने, चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने, इससे मजीद जो भी मिनिस्टर्स आए सेंट्रल जो के सामने, कि एजुकेशन की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए, उसको प्रायोरिटी नंबर वन फिक्स किया। और मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट ने जो है अभी देखने होंगे, जैसे 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है, अगर उसके मुताबिक हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि एक स्टेज आएगा कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रेफर करेंगे बनस्पत जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो आज मैंने यहाँ 4 जगह हम गए, 2 का इनॉग्रेशन था, 2 का फाउंडेशन स्टोन था, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमने ये प्रोग्राम किए। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ अपने ऑफिसर से और अपने जो हमारे ZEOs हैं, यहाँ डिफरेंट प्रिंसिपल्स भी आए हैं डिफरेंट डिफरेंट हाई स्कूल्स और स्कूलों से, उनसे भी बात की। तो मुझे लगता है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं। इससे मजीद है कि हमारे प्रायोरिटी नंबर वन ये है कि फोकस होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स। कि आपको मालूम होगा कि जोन चंदूसा और जोन बागुरा में आज के ही बिल्डिंग्स जो हैं वो या तो उनकी इनाग्रेशन हो गई या उनका फाउंडेशन सुन रखा गया। DDC चेयरपर्सन मोहतरमा सफीना जी ने और उनके हमरा महीद्दीन सोफी साहब जो PGC चेयरमैन हैं और जो हमारे लोग हैं यहाँ पर PRIs हैं, मेरे टीचर्स हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, वो सब थे इस जोन में। जहाँ जहाँ पर हमें इनाग्रेशन होगी वहाँ उन्होंने जाकर उनका साथ दिया और जहाँ जहाँ पर हमारी नीड थी ताकि हमारे बच्चे जो हैं आने वाले कल के लिए जो हमारी कौम पौध है उनके लिए हम अपनी कोशिश सरकार जारी रखे हुए है ताकि वो कहीं खुदा न खास्ता फाउंडेशन के एतबार से दरदर न हो जाए। और जितना भी इस वक्त रोल हुआ है, हमने पिछले 2-2.5 साल से जो एनरोलमेंट ड्राइव्स किए हैं, 1,24,000 बच्चे आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल में है प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर। हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमने लाए हैं उनको हमारी तरफ से कोई ऐसा धोखा ना हो जाए कि कल उनके पेरेंट्स जो है वो फिर यहाँ से निकाल कर कहीं और ले लें। हम चाहते हैं उनको रिटेन करना, उनको सस्टेन करना और इन बच्चों के लिए जो भी आपने सुना होगा कि हमें फर्स्ट से आन वर्डर्स फर्स्ट से लेकर 8 तक MDM होता था, लेकिन हमारी सरकार ने क्या कि 3 साल प्लस का जो बच्चा है जिनको हमने किंडरगार्टन में
एडमिट किया है, आज उसका भी MDM आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इस वक्त काम करता है, हमारा समग्र शिक्षा जो है काम करता है। आप देखते होंगे इतनी बड़ी 2-story बिल्डिंग ये हमारी समग्रा की है, इन्होंने बनाया और इस पर तकरीबन 28 लाख रुपया खर्च हुआ, 12 लाख इसका बचत भी है, 4 लाख की हम इलेक्ट्रिफिकेशन और इसकी टाइलिंग कराएंगे और 8 लाख से हम चाहते हैं कि और एक बिल्डिंग बन जाए, एक ICT लैब बन जाए ताकि यहाँ के बच्चों को भी उसका फायदा मिले। टोटल कितनी बिल्डिंग्स आज आपने नोट किया? 5 तकरीबन, 3 का फाउंडेशन स्टोन रखा गया और 3 कहाँ कहाँ पर? ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल नौपर में है वहाँ पर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये की बिल्डिंग का फाउंडेशन रखा गया। हमारे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट रूम जो समग्र शिक्षा ने बनाया है शराकवारा में, उसको इनाग्रेशन उसकी इनाग्रेशन हो गई। विजर में हमारे एक बिल्डिंग की इनाग्रेशन हो गई और इस वक्त कलंत्रा में जो 2-story बिल्डिंग है इसकी इनाग्रेशन। क्या पैगाम रहेगा आपकी तरफ से बच्चों और टीचर्स? यही है, खाली टीचर्स को नहीं, मेरे इस मीडिया पर्सन को, मेरे यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं उनको, हमारी माओं को, बहनों को और जितने यहाँ के लोग हैं खासकर दूर दराज इलाकों में जो हमारे लोग हैं, उनसे ये पैगाम रहेगा कि अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ न करें, बाकी जो स्कूल है सरकार जितनी भी फैसिलिटी देती है, आइए और देख लीजिए कि हमारे टीचर कितने काबिल हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप होता है, हमारी आज डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी आगे हो रही है और सरकार कितना आपके लिए करती है। आप आइए और हमारी मदद करिए और टीचर से भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इन बच्चों को गले से लगाइए और अपने स्कूलों का ख्याल रखिए, उनकी फेस लिफ्टिंग है, उनके टॉयलेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सारी चीज़ों को ठीक करिए ताकि हमारे बच्चे जो है वो आकर अच्छी तरह से पढ़ सकें।